सुपौल जिले के करपी प्रखंड के खजरी पंचायत के ग्राम पचकेसर में लो वोल्टेज से परेशान है ग्रामीण। 16 केवी का ट्रांसफार्मर जो जल गया है उसे न बदलने के कारण वो लो वोल्टेज की परेशानियों से ग्रसित है ग्रामीण। ट्रांसफार्मर एक बिगड़ल है, वो बड़का ट्रांसफार्मर उधर है से डीप लाइट देता है कम वोल्टेज में। कम वोल्टेज में लाइट रहने से क्या क्या परेशानी आप लोग को होती है? परेशान की रात में पंखा नहीं चलता है, कम वोल्टेज बता रहा है, बल्ब नहीं जलता है ठीक से। बिजली यहाँ करीब 350 घर जा रहा है, इसमें बिजली लो जा रहा है। लो जाने की वजह क्या है? यहाँ ट्रांसफार्मर 2 पहले से था और अभी 1 पर चढ़ा हुआ है। ग्राम पचकेसर में 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10। यहाँ पर 16 केवी का 2 ट्रांसफार्मर लगा था, दोनों वार्ड में एक एक ट्रांसफार्मर लगा था। 10 नंबर वार्ड में 16 केवी का ट्रांसफार्मर 2 साल पहले जल गया था। ग्रामीणों के प्रयास से 9 नंबर वार्ड में 163 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे पूरे गांव के 350 घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है। घर तक 70 से 80 वोल्ट ही बिजली पहुंच पाती है। लो वोल्टेज की कमी के कारण फ्रीज एसी तो दूर, गर्मियों में तो पंखा तक नहीं चलता, बल्ब नहीं जल रहा है, केवल फिलामेंट जलता है। आप लोग क्या दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए कोई प्रयास किए थे? हाँ, दोनों ट्रांसफार्मर चालू करने के लिए दरखास्त भी हुआ है। तो उस पर फिर कार्रवाई कोई हुई? नहीं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर वसीम जी के मोबाइल नंबर 70 33 19 13 30 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं एसएम जफर इकबाल, ग्राम पचकेसर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।